अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ दाऊद अब्बासी। सबसे पहले मेरे देखने सुनने वालों को सलाम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। सो गाइस, अभी इस टाइम भाई बज रहे हैं 5 तकरीबन, 4:30-5, और अभी मैं जा रहा हूँ अलियोट वाली तरफ, क्योंकि यार वहाँ पे एक फौतगी हो गई है और नमाज़ जनाजा अदा करने जाना है। हमारी शॉप के करीब एक बाबा जी होते हैं रेस्टोरेंट पे, और अक्सर वो खाना वगैरह सर्व कर रहे होते हैं, और भाई उनका छोटा भाई जो है फोत हो चुका है, तो उनका नमाज जनाजा अदा करने जाना था। और क्योंकि जैसे गांव के करीब वगैरह में जितने भी घर वगैरह होते हैं, और वहाँ पे जब भी खुशी या गमी हो जाए तो भाई बंदे को शामिल होना पड़ता है, इसी तरह शॉप वगैरह का हाल है। जितने भी करीब में शॉप्स वगैरह होती हैं, रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, और जितने भी जानने वाले लोग होते हैं, उनकी शादी हो, खुशी हो, गमी हो, उनमें शरीक होना पड़ता है। तो भाई आज इंतहा की संख्या में आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा इल्म नहीं था। मैं सोच रहा था कि यार धूप लगी है तो हल्की हल्की भाई निकल लेंगे और जल्दी से पहुँच जाएंगे, लेकिन भाई वो वाला सीन नहीं है, क्योंकि अभी जो है धूप का नामो निशान आपको दिख नहीं रहा होगा, और इस वजह से ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। और आजकल आपको पता है भाई, वैसे भी सर्दी बढ़ती चली जा रही है मरी में इस वजह से। और अभी हमने जो जाना है, मैं आपको अगर दिखाऊं तो भाई यहाँ से होके हमने क्रॉस होना है। तो गाइस, अगर साथ में मैं आपको इन्फॉर्म करता चलूँ तो भाई ये रोड शुरू होता है लोट टोपा से और जाके गुजरता है कोहला, कोहला से आगे क्योंकि कश्मीर स्टार्ट हो जाता है भाई, और एक ये वाला रोड गुजरता है। और एक इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भाई पीसी बुरवन वाली तरफ से रोड गुजरता है, और वो रोड जो है काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, मतलब उस पर चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है और मोड़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा वहाँ पर हादसे भी काफ़ी ज़्यादा इसी वजह से होते हैं कि भाई जो भी नए ड्राइवर्स आते हैं उन्हें पता नहीं चलता इतना वहाँ पे ड्राइव करने का। और इसके अलावा गाड़ियों के ब्रेक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा फेल होती है, और इस वजह से भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं। उसके बनिस्बत अगर इस रोड की मैं बात करूँ तो भाई ये रोड अभी हाल ही में बना है, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया इस रोड ने बनते हुए, ऐसा नहीं है कि एकदम से बन गया भाई, काफ़ी टाइम बाद। और जब नहीं बना था तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह होती थी, और यहाँ पे ड्राइव करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। अभी जो है काफ़ी स्मूथ ड्राइव है, और बंदा जो है अगर मैं बाइक को स्टार्ट ना भी करूँ तो भाई मुफ्त में यहाँ से अगर मैं चलाऊँ बाइक तो तकरीबन जाके रुकेगा अलीगढ़ के करीब। गाड़ी वाला मुझे पीछे से हॉर्न बजाते हुए, भाई जल्दी जल्दी क्या कर रहे हो साथ में, आप ये रिस्की काम कर रहे हो, और साथ में मैं शूट भी कर रहा हूँ, साथ में बाइक भी चला रहा हूँ ताकि व्यूवर्स को एंजॉय करा सकें, और साथ सामने आप व्यू चेक करें। माशाल्लाह इस वक्त शाम हो रही है, और इस वजह से मतलब उस तरह का व्यू आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि धूप ना हो तो भाई दूर तक इतना क्लियर फ़ोन में तो नहीं दिखता। और यहाँ पर मोड़ वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और यहाँ पे मोड़ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और देख के मतलब चार आंखें और चार कान रखने पड़ते हैं बंदे को ड्राइव करते हुए। ये देखिए गाइस, अब ये टर्न आप देख लें किस तरह मोड़ा मैंने बाइक को। सो भाई सर्दी भी इतनी ज़्यादा लग रही, और मैंने जो है वीडियो बनानी थी, मैंने बोला यार पॉकेट से फ़ोन को निकालते ना, मैंने जैकेट की जिप खोल दी, उससे मुझे और ज़्यादा सर्दी लग रही है। सामने आप टॉप चेक करें कितना खूबसूरत है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद ही होगी। अगर आपको पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।